ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ तेजस्विनी। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नया आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक संक्रमण से पीड़ित मरीजों को कोरोना के नए स्ट्रेन की पहचान के लिए व्यापक स्तर पर जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब हर जिले से प्रत्येक सप्ताह हल्के लक्षण वाले, कम गंभीर, गंभीर और पुनः संक्रमण वाले मरीजों के साथ साथ टीके की दो डोज लगने के बाद संक्रमित होने वाले मरीजों के नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल भेजे जाएंगे। विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमितों में ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका के स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। दिल्ली में भी 150 लोगों में संक्रमण के नए स्वरूप की पुष्टि की गई है। ऐसे मरीजों की पहचान के लिए यह आदेश जारी किया गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग से संक्रमण के नए स्ट्रेन का पता चल सकेगा और समय रहते इनका इलाज हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर